मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज का जो टॉपिक होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर बहुत ही हो हंगामा हल्ला गुल्ला पता नहीं क्या क्या हुआ था जब जीएसटी का अनाउंसमेंट हुआ था कि इंडिया में यानी भारत देश के अंदर जीएसटी अब लागू होगा। आज हम लोग जीएसटी के बारे में बात करने वाले हैं, जीएसटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, प्रैक्टिकल तरीके से, और उसके बाद में जो उसकी डेफिनेशन वगैरह है जो आपको एग्जाम में लिखनी है उनको समझने वाले हैं। राइट बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो मैंने बोर्ड पर उसको लगाया है, प्रजातंत्र का मंदिर कहते हैं, लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। इसी टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी में एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि देश के बहुत यशस्वी, बहुत ही कामयाब और एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है, और ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे प्राइम मिनिस्टर यदा कदा ही आते हैं। राइट बच्चों, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को यानी 24 मार्च 2017 को जीएसटी का बिल जो था उसे पास करवाया, और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया, अप्लाई हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में 1 जुलाई 2017 से और उसके बाद में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन सब पर जीएसटी अप्लाई होगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज, सर ये जीएसटी एग्जैक्टली है क्या? बच्चों जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो टैक्स है, देखो जैसा मैंने कहा कि है तो ये टैक्स ही, राइट? मैंने कहा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये है तो टैक्स ही। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो टैक्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो बच्चों टैक्स जो होते हैं वो आपके पास में दो तरीके के होते हैं, एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा टैक्स होता है आपके पास में इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, दो तरीके के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस बंदे पर, जिस पर्सन पर टैक्स लगता है, जब उस टैक्स का पेमेंट वही बंदा करता है तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है बच्चों। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगता किसी और पर है, चुकाता और कोई है, उसका पेमेंट कोई और करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देखकर समझाऊं यहां पर, अब मान लीजिए ये जो व्यक्ति है आपके सामने, ये एक दुकान पर जाता है और दुकान पर जाके मान लीजिए कुछ शॉपिंग करता है, कुछ परचेसिंग करता है। राइट, जब ये परचेसिंग करेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है कि जो दुकानदार है एक्चुअल में उस पर टैक्स लगना चाहिए था क्योंकि वो माल बेच रहा है, कमाई उसकी हो रही है, लेकिन वो क्या करेगा, इस टैक्स की वसूली इस बंदे से कर लेगा। राइट, इस टैक्स की वसूली वो इस बंदे से करेगा। टैक्स लग तो दुकानदार पे रहा है लेकिन एक्चुअल में पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट उसका एंड यूजर है, वो उसका पेमेंट कर रहा है। एंड यूजर का मतलब क्या होता है? जो अल्टीमेटली उस सर्विस को या फिर उस गुड्स का कंजम्पशन करने वाला है उसे कहते हैं एंड कंज्यूमर। बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे चल के हम लोग बात करते हैं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बच्चों गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेसिकली जो भी हिंदुस्तान में माल का उत्पादन होता है, माल को खरीदा और बेचा जाता है, जहां पर भी परचेज और सेल्स होती है वहां पर जो टैक्स लगेगा उसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाएगा, जीएसटी कहा जाएगा, और ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है।
तो यहां पर हम लोग देखते हैं, तो बच्चों जो आपका जीएसटी है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है और बहुत सारे स्टेट टैक्सेस यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को और सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बनाया गया है, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये जीएसटी है ये वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी पर काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ टैक्सेस को छोड़कर अभी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस अभी भी वैसे ही लगते हैं जैसे पहले लगा करते थे 2017 के पहले, लेकिन जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनमें से कुछ को छोड़कर जो है, जैसे पेट्रोलियम की बात हो गई, अल्कोहल की बात हो गई, इनको छोड़कर सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर दिया गया है और उन सबको जीएसटी के दायरे में ला दिया गया है। तो यहां पर हम लोग बात करें तो जीएसटी हमें देना कब पड़ता है, जब भी आप कोई परचेस करोगे या फिर सेल करोगे तो वहां पर जीएसटी अप्लाई हो जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, जिसको अभी हम लोग आगे और भी समझने वाले हैं। अभी हम यह समझते हैं कि जो हम परचेस करते हैं, मान लीजिए मैं किसी दुकान पर गया और दुकान पर जाके मैंने एसी परचेस किया। अब मैंने जो एसी परचेस किया तो मान लीजिए एसी है 1 लाख रुपए का, तो जो दुकानदार है शॉपकीपर कहता है भैया एसी 1 लाख रुपए का है और इसके ऊपर मान लीजिए 12% टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, तो वो मुझसे 1 लाख रुपए एसी के प्लस 12,000 रुपए वो मुझसे जीएसटी के लेगा। तो मैंने जो उसको 12,000 रुपए का टैक्स दिया है, 12,000 रुपए का जीएसटी दिया है, उसे एक्चुअल में इनपुट जीएसटी कहा जाता है। वैसे ही बच्चों जब आप सेल्स करते हो तो सेल्स के वक्त पे जो टैक्स आप वसूल करते हो अपने कस्टमर से, उसे कहते हैं हम लोग आउटपुट जीएसटी। तो यहां पर दो चीजों को हमको दिमाग में रखना होगा, जब भी आप परचेस करेंगे उस समय जो भी आपने जीएसटी दिया है उसे कहेंगे हम लोग इनपुट जीएसटी, और जब भी हम लोग सेल्स करेंगे और वहां पर जो हम कस्टमर से जीएसटी वसूल करेंगे, रिकवर करेंगे, उसे हम लोग कहेंगे आउटपुट जीएसटी। इन दो वर्ड्स को हमको बहुत ज्यादा दिमाग में रखकर चलने की आवश्यकता है। बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि जो ये जीएसटी है, ये तो हमको समझ में आ गया कि आउटपुट जीएसटी क्या है, इनपुट जीएसटी क्या है, ये हमको समझ में आ गया, राइट। लेकिन जो ये जीएसटी है, जो ये टैक्स है, ये हमको देना किसको है? अभी आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था गवर्नमेंट को देना है। तो मेरे भाई इस हिंदुस्तान में दो गवर्नमेंट काम करती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके लोकसभा के चुनाव होते हैं, राइट, और एक होती है आपके स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि मैं राजस्थान में रहता हूं तो राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, और जो मोदी सरकार है इस समय वर्तमान में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जो जीएसटी का टैक्स जाएगा, जो जीएसटी का टैक्स किसके जेब में जाएगा हमें ये पता ही नहीं है। तो आइए अब हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक शॉपिंग मॉल यहां बनाया है, डीमार्ट बनाया है। जब लोग यहां पर आएंगे, परचेसिंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन होगा, और जैसा मैंने कहा था जहां पर भी बाइंग और सेलिंग होगी, जहां पर खरीद फरोख्त होगी, कुछ खरीदोगे या कुछ बेचोगे तो वहां पर जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग अगर बात करें जीएसटी के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर कि मोदी जी यहां पर आएंगे ही आएंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आएगी ही आएगी। तो यहां पर अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास में आ गई, उसके बाद हमारे पास आएगी स्टेट गवर्नमेंट, राइट। और स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे पास आएगी बच्चों, तो मैंने यहां पे अशोक गहलोत जी का पिक्चर लगाया है जैसा आप देख सकते हो, और ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है वर्तमान में। तो जब भी यहां पर कोई खरीद फरोख्त होगी तो इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यहां पे 1 लाख रुपए की परचेजिंग की, या यहां पे बिजनेस हुआ 1 लाख रुपए का, और इसके ऊपर मान लीजिए 12% के रेट से जीएसटी लग रहा है, तो होगा क्या, 1 लाख का 12% कितना हो गया, 12,000 रुपए का जीएसटी हो गया। ठीक है सर, 12,000 रुपए जीएसटी हो गया। इस 12,000 रुपए के जीएसटी में से आधा जीएसटी यानी 6,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, और जो 6,000 रुपए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी, यानी आधा आधा हिस्सा दोनों को मिल जाएगा। लेकिन यहां पर हमें कुछ चीजों को समझने की जरूरत है,
राइट हमें यह तो समझ में आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी के अमाउंट को मिल बांट के आधा आधा खाती है, दैट्स इट, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन बात यह है कि सर अगर मान लीजिए जो प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूं, राइट, अब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं राजस्थान में हूं, जयपुर में हूं, तो जयपुर से मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो जयपुर से मैं उदयपुर बिजनेस करूं या जयपुर से मैं जोधपुर बिजनेस करूं या मैं जयपुर से बांसवाड़ा बिजनेस करूं, मैं राजस्थान में ही बिजनेस कर रहा हूं, राइट, तो जब भी एक स्टेट के अंदर ही बिजनेस हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है एक ही स्टेट के अंदर, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टैक्स लेगी, राइट। तो जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने क्या दिया, जीएसटी दिया, इसे मैं कहूंगा सी जीएसटी। सी का मतलब क्या है, सेंट्रल का जीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 6000 रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। इसके अलावा जो जीएसटी मैंने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है तो मैं उसे कहूंगा एस, मतलब स्टेट, एस का मतलब क्या हो गया, स्टेट हो गया, तो मैं कहूंगा उसको स्टेट जीएसटी, राइट। तो स्टेट जीएसटी जो है वो 6000 रुपए चला गया स्टेट गवर्नमेंट के पास में, और 6000 रुपए का सी जीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी जो है वो चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, मोदी गवर्नमेंट के पास में। बच्चों एक बात समझ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जीएसटी हमेशा जाएगा, चाहे कोई सा भी केस बन जाए। तो यहां पर मैंने बात की, जब ट्रांजैक्शन एक ही स्टेट में होता है तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब बच्चों हम लोग अगले केस के बारे में बात करते हैं, राइट। तो जो अगला केस है, फिर से मैंने यहां पे एक शॉपिंग मॉल का पिक्चर लगाया है ताकि आपको समझ में आए कि जहां पर बाइंग और सेलिंग होती है जीएसटी वहीं पर भी एप्लीकेबल होता है, और जैसे ही बाइंग और सेलिंग होगी, ट्रांजेक्शन होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में पक्के से आ जाएगी अपना टैक्स वसूल करने के लिए कि भैया मेरा हिस्सा दे दो मुझे। अब यहां पर एक चीज नोट कीजिएगा, मैं यहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को लेकर आ रहा हूं। अब आप कहेंगे सर तो यहां पे अशोक गहलोत जी में या केजरीवाल जी में क्या फर्क हो गया, पॉलिटिकली कोई फर्क नहीं है, ओके, मैं यहां पे जीएसटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो यहां पे फर्क हो जाएगा, क्योंकि जो दिल्ली है ना, जो दिल्ली है, जो दिल्ली है, एक्चुअल वो स्टेट नहीं है, दिल्ली जो है वो स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर चलता है उसके ऊपर, और बहुत सारे राइट्स जो है वो केजरीवाल जी के पास में नहीं है, वो किसके पास है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो जो भी आपके पास में यूनियन टेरिटरी है उस पर टैक्स लगेगा, फंडा कुछ अलग नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ शब्दों का फर्क आ जाएगा, वो समझाता हूं। जैसे मान लीजिए वापस से अगर बात करें हम लोग, तो मान लीजिए 1,00,000 रुपए की जो वापस सेल यहां पर हुई, और मान लो उसके ऊपर जो है 12% जो है उस पर जीएसटी लग गया, तो जो 12% जीएसटी लग गया वो जीएसटी में से मैं क्या करूंगा, 6,000 रुपए का जीएसटी जो है वो दे दूंगा मैं किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो कहूंगा सीजीएसटी, और जो 6000 रुपए का टैक्स जो है वो मैं अरविंद केजरीवाल जी को दूंगा यानी दिल्ली गवर्नमेंट को दूंगा, तो उसको मैं एसजीएसटी कह सकता हूं क्या, जीएसटी तो कहूंगा, लेकिन क्या मैं उसको स्टेट जीएसटी कह सकता हूं क्या, जब दिल्ली स्टेट ही नहीं है तो मैं उसके आगे एसजीएसटी कैसे लगाऊंगा, तो जो आपकी दिल्ली है वो एक यूनियन टेरिटरी है, तो मैं इसके आगे लगाऊंगा यूटीजीएसटी। यूटी का मतलब यहां पर होता है यूनियन टेरिटरी, राइट, फर्क कुछ भी नहीं है, फर्क कुछ भी नहीं है। जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो वहां पर एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लिखेंगे, यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाएंगे, बाकी और कोई फर्क नहीं है, राइट। तो सर ये जो यूनियन टेरिटरी है वो कितनी है हिंदुस्तान के अंदर, ये बार ये बता दीजिए। तो आइए भारत का नक्शा मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, और इसमें हम लोग देखेंगे तो आपके पास में जितने भी यूनियन टेरिटरी है उन सबके नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूं। जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़,
दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप जो है, लद्दाख जो है, दिल्ली जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और पांडुचेरी, तो ये सारी जो है ये यूनियन टेरिटरी है और यहां पर जो भी जीएसटी जाएगा उसे कहेंगे यूटी जीएसटी, उसको एस जीएसटी नहीं कहा जाएगा क्योंकि इनके पास में स्टेट का दर्जा ही नहीं है। अब हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों और देखते हैं फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आएगी। अब की बार कुछ चेंज होने वाला है। पिछले एग्जाम्पल में हमने बात की थी कि एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके डिफरेंट सिटीज के अंदर। अब जो ट्रांजैक्शन है मान लीजिए वो हम थोड़ा चेंज करते हैं उस ट्रांजैक्शन को। मैं फिर से लेके आ रहा हूं आपके सामने राजस्थान की गवर्नमेंट को और मैं उसके बाद ला रहा हूं सबसे ज्यादा हॉट, सबसे ज्यादा पॉपुलर मोदी जी के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई मिनिस्टर या क्या कहें उसको, मतलब कोई नेता, कोई लीडर अगर है तो इनसे बढ़कर तो कोई नहीं है। इस बात से आप शायद बिल्कुल सहमत होंगे और देश के अगले प्रधानमंत्री भी बनने की पूरी पूरी ताकत योगी आदित्यनाथ जी के अंदर है, राइट। चलिए, हमारा मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, यहां पर हमें कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। मान लीजिए हमने क्या किया, राजस्थान के अंदर जो है हमने एक फैक्ट्री लगाई, ओके, हमने यहां पर प्रोडक्शन किया और माल जो है हमने यूपी में जाके बेचा। हमने जो माल बेचा वो जाके हमने कहां बेचा, यूपी में जाके बेचा। अब तो यार झगड़ा हो जाएगा भाई। मान लीजिए 1,00,000 रुपए का, वही एग्जांपल लेके चलते हैं वापस से, और इसके ऊपर जो है 12% के रेट से जो है मान लीजिए जो है आप जीएसटी लगा रहे हैं तो 12,000 रुपए तो हो गए। हाँ जी, 12,000 रुपए हो गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो अपने 6,000 रुपए ले जाएगी। 6,000 जो है जो कि जीएसटी है उसको क्या बोलेंगे, सीजीएसटी बोलेंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलेंगे। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो अपने 6,000 रुपए ले जाएगी। अब बात जो बाकी के 6,000 रुपए है उस पर झगड़ा होगा कि जो बाकी के 6,000 रुपए है वो अशोक गहलोत जी लेकर जाएंगे या फिर वो 6,000 रुपए जो है वो योगी आदित्यनाथ जी यानी यूपी गवर्नमेंट लेकर जाएगी। अब झगड़ा यहां पर हो गया, राइट। अब इस झगड़े का सल्यूशन कैसे होगा मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए बच्चों, जब भी एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में जब भी बिजनेस होगा तो जो जीएसटी खाने का, जीएसटी रखने का जो अधिकार होगा वो उस स्टेट के पास होगा जहां जाकर एक्चुअल में वो सेल हुआ है, राइट। भले ही यहां पे फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ हो लेकिन जो जाके गुड्स सेल हुई है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो यूपी में जाकर हुआ है, तो जहां जाकर वो ट्रांजैक्शन हुआ उस स्टेट को जीएसटी मिलेगा। मेरी बात समझ में आई आपको, उस स्टेट को जीएसटी मिलेगा। इस बात को आपको दिमाग में रखकर चलना है क्योंकि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सर, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या हुआ कि जहां जाकर ट्रांजैक्शन हुआ वो डेस्टिनेशन मानी जाएगी और उस स्टेट को जो है वो जीएसटी मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। तो हमने देखा कि हमने यहां देखा सीजीएसटी, हमने देखा, हमने यहां पर एसजीएसटी हमने देखा, यहां पर हमने यूटी जीएसटी हमने देखा यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी हमने देखा, और एक और आता है उसे कहते हैं आईजीएसटी, जो कि ये वाला केस है जो हम यहां पर देख रहे हैं। सर, आईजीएसटी मतलब क्या हुआ, ऐसे केस में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे 12,000 रुपए अपने पास रखती है और फिर उसमें से जो है जिस स्टेट के पास में उसको लेने का अधिकार है, आधे अमाउंट को लेने का अधिकार है वो उसको दे देती है, राइट। तो पूरा इकट्ठा अमाउंट पूरा जो है वो यहां पर आईजीएसटी माना जाता है। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, राइट। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो सिर्फ एक ही अकाउंट को कंसिडर करना होगा जो हम आगे जाके बात करेंगे, नहीं तो हमें हमेशा दो दो अकाउंट को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर एक ही स्टेट में हुआ है तो दोनों जो है अकाउंट वहां पर हमें ध्यान में रखने होंगे, या फिर अगर यहां से हुआ है तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी सीजीएसटी को तो हमेशा ध्यान में रखकर हमको चलना ही होगा। सो सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, यूटीजीएसटी हो गया और आईजीएसटी हो गया, और इन सब को हमने बहुत अच्छे से यहां पर समझ लिया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं
तो सर टैक्स जो लगा रहे हैं हम लोग, वो टैक्स हम लोग किस रेट से लगा रहे हैं? हालांकि वो आगे जाके मैं आपको बहुत अच्छे से और समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल अगर यहां बात करें बच्चों, तो टैक्स की जो रेट्स है वो यहां पर आपके पास में 5 टैक्स की रेट चलती है। किस किस पर कितना क्या लगता है वो तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन शॉर्ट में जो है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल यहां पर मैं आपको रेट्स बता रहा हूं। एक होती है 0% रेट, यानी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि नेसेसिटी में काउंट होती है, आवश्यकता में काउंट होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जीएसटी उस पर अप्लाई नहीं करती। बात सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, उस पर जीएसटी अप्लाई ही नहीं होता। जो दूसरी रेट है वो है 5%, जो तीसरी रेट है आपके पास वो है 12%, जो चौथी रेट है 18%। मैक्सिमम चीजों के ऊपर रेट इस रेट से और इस रेट से लगता है, और जो लास्ट है आपके पास वो है 28% जीएसटी की रेट। जीएसटी जो 28% है ये बहुत कम चीजों पर लगता है, ये उन चीजों पर लगता है जो लग्जरी में काउंट होती है, जो लग्जरी में काउंट होती है या जो टबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर लगती है। अब आप बोलो हम रीड एंड टेलर, नहीं मैंने गलत बोल दिया, फोर स्क्वायर की बात कर लेते हैं हम, फोर एंड स्क्वायर पीने वालों की बात ही कुछ अलग है। अब जो ऐसे लोग होते हैं शौकीन होते हैं राइट, जो पान मसाला खाते हैं सब, है ना, बोलो जुबान केसरी ऐसे करते हैं जो लोग राइट, उन सबके ऊपर जो 28% का भैया जीएसटी लग जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो है अगर आप मर्सिडीज परचेज करते हो, लग्जरी कार है कि नहीं है, जैसे लग्जरी कार है तो उसके ऊपर 28% की रेट से आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो ये कुछ रेट्स थी, इनफैक्ट 5 ही रेट्स है जिस रेट से जीएसटी लगता है, सरकार आपके ऊपर टैक्स लगाती है। अब हम लोग आगे बात करते हैं सेटलमेंट ऑफ जीएसटी की बात करते हैं कि चलो ठीक है, हमको समझ में आ गया कि जो परचेस करते हैं, जो उस पर हम जीएसटी देते हैं उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं, जो हम लोग बेचते हैं उस पर जो जीएसटी वसूल करते हैं कस्टमर से उसे हम लोग आउटपुट जीएसटी कहते हैं। बात समझ में आ गई राइट। अब सेटलमेंट कैसे होगा? देखो, जिसने मुझसे जीएसटी लिया, जो परचेजर था, क्या वो जीएसटी वो खुद रख सकता है क्या? वो तो सरकार का है, उसको तो सरकार को पे करना पड़ेगा। और जिसको मैंने माल बेचकर जीएसटी वसूल किया, तो क्या वो जीएसटी मैं रख सकता हूं क्या? नहीं जी, वो मैं नहीं रख सकता। अब बात ये है कि मुझे गवर्नमेंट को देना कितना है, हमें इस चीज पर फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उस फॉर्मूला को देखिएगा कि जो भी आपके पास में आउटपुट जीएसटी आया उसमें से आपको लेस कर देना है इनपुट जीएसटी। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, और जो भी अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को हमको गवर्नमेंट को पे कर देना है, पेमेंट टू गवर्नमेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो भी हमने वसूल किया था जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, उसमें से हम जो भी जीएसटी देकर आए थे अपने परचेजर को, यानी जिसने मुझसे परचेज, जिससे मैंने परचेज किया था, उसमें से लेस करने के बाद जो बचेगा वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए 3 लोग हमारे पास यहां पर है राइट, तो 3 लोग हमारे पास यहां पर है। अब इन 3 लोगों की हम बात यहां पर करते हैं बच्चों, तो देखिए यहां पर हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं। ये मान लीजिए एक्स है, ये मान लीजिए वाई है, और मान लीजिए जेड है। तो ये 3 लोग यहां पर है, और इस बंदे ने क्या किया कि 1,00,000 रुपए का माल परचेज किया, इससे परचेज किया, यानी एक्स से परचेज किया। तो हमने क्या किया, 1,00,000 रुपए का माल परचेज किया, ठीक है साहब। इसने बोला भैया 12% जीएसटी देना है इसके ऊपर, दे देंगे साहब। तो क्या होगा, हमने 1,00,000 रुपए के ऊपर 12,000 रुपए का जीएसटी इसको दे दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इनपुट जीएसटी। ये क्या है हमारा, इसे हम कहेंगे इनपुट जीएसटी हो गया, ठीक है। अब इस 1,00,000 के माल को हमने जेड को बेच दिया 1,50,000 रुपए के अंदर, ठीक है। जब हम इसको ये माल सेल करेंगे तो हम इसके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे 12% के रेट से, ठीक है। तो 12% 1,50,000 का कितना हो गया, तो देखते हैं 1,50,000 का 12% होता है आपके पास में 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए का जो है हमने जीएसटी वसूल किया अपने कस्टमर से, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम कहेंगे आउटपुट जीएसटी, ठीक है। अब बात है हमें गवर्नमेंट को पे कितना करना है वो समझ लीजिए। देखिए हमने वसूल किया था कितना, 18,000, तो यहां पर आ जाएगा 18,000, और हम पीछे देखकर कितना आ चुके हैं अपनी जेब से, हम देकर आ चुके हैं 12,000, ओके।
अब बचा कितना 6000, तो ये 6000 रुपए का जीएसटी हमको गवर्नमेंट को पे करना होगा। दैट्स वेरी वेरी सिंपल राइट। एक्चुअल में कोई भी गुड्स जितनी बार बिकेगी उसके ऊपर उतना ज्यादा जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। जितनी बार ट्रांजैक्शन होगा उतनी बार उस पर जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन जीएसटी जो है वो हमेशा सेलिंग वैल्यू पर लगेगा। तो यहां पर अगर आप नोट करके देखें कि अगर चीज 1.5 लाख की बिकी है लास्ट में जाकर, तो उसके ऊपर 12% के रेट से 18000 रुपए का जीएसटी बनता है। हमने क्या किया, 12000 का जीएसटी पहले देकर आ चुके हैं परचेजर को, वो अपने आप गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा हमारे नाम से, और जो हमने वसूल किया 18000 रुपए उसमें से जो हम 12000 लेस करेंगे और जो बाकी हमारे पास एक्स्ट्रा जीएसटी आ गया, टैक्स आ गया गवर्नमेंट का, वो 6000 रुपए जाकर हम गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। सो बच्चों, आई बिलीव आज का यह टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ गया, प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आ गया। अगली क्लास में जो है हम लोग इन सब के डेफिनेशंस को लिखेंगे जो आपको एग्जाम में लिखकर आनी है, और कैसे लिखना है, क्या करना है, लैंग्वेज क्या होगी, उन सब पर भी हम लोग काम करेंगे। आई बिलीव अगर ये कंप्लीटली आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी हो तो कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ योर्स राइट। मिलते हैं अगली क्लास में जीएसटी पार्ट 2 के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अकाउंट्स मेरे साथ पढ़ते रहिए।